Hello everybody, I am Dr. Akash Shukla, Professor and Head Department of Gastroenterology at KEM Hospital and Transplant Hepatologist at Global Hospitals, Parel, Mumbai. Today we will talk about liver transplant. आज से 20-25 साल पहले जब हम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में किताबों में पढ़ते थे तो हमें लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पर पॉसिबल है. पर आज इंडिया में हर साल 2000 से भी ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, तो आज ये कॉमन आदमी की रीच में शायद पॉसिबल है और इसीलिए हमें अब इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि वाकई किसको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है और ट्रांसप्लांट होने के बाद में आप क्या लाइफस्टाइल रख सकते हैं, क्या हमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और हमें किस तरह के आगे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है. आज ट्रांसप्लांट 4 दिन के बच्चे का भी हो चुका है और 80 साल की उम्र में भी हो चुका है, तो ट्रांसप्लांट ऑफ लिवर किसी भी एज में अब पॉसिबल है. तो ट्रांसप्लांट की जरूरत किसको पड़ती है? एक वो ग्रुप है जिनको लिवर में सिरोसिस है और वो सिरोसिस इतना एडवांस्ड हो चुका है कि लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस होने लग गए हैं और अगर इनका ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो उस पर्सन को सिरोसिस की वजह से जान का खतरा अगले कुछ महीनों के अंदर हो जाता है. तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के बाद में हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं? पेट के अंदर पानी भरना, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, और वो कम ना हो दवाइयों से. पेट के पानी में इन्फेक्शन होना, SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, या जिनको खून की उल्टियां हो रही हैं, जिनका बिलिरुबिन बहुत हाई है, पीलिया हो गया है आंख में और वो कम नहीं हो रहा है, जिनको कोएगुलोपैथी हो गई, यानी कि जिनका क्लॉटिंग का पैरामीटर्स बहुत बिगड़ गए हैं, INR बहुत हाई हो गया है और वह इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जिसको लिवर कमजोर होने के कारण बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो चुका है, नॉर्मल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल दिनचर्या नहीं हो पा रही है, जिनको बार बार एनकेफलोपैथी, बार बार बेहोशी जैसे स्पेल्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, स्लो हो गए हैं अपने नॉर्मल काम करने से, तो जिनको ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. तो आमतौर पर इसके लिए हम मेल्ड या चाइल्ड स्कोर, ये दो तरह के कैलकुलेशंस करते हैं और अगर यह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मेल्ड स्कोर और चाइल्ड स्कोर, तो हम ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं. हमें ट्रांसप्लांट तब करना चाहिए जब बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा हो चुका हो, पर इतना लेट भी नहीं करना है कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल पोजिशन में हो, क्योंकि उस समय ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कम हो जाता है. तो बीमारी होनी चाहिए, बढ़ी हुई बीमारी होनी चाहिए, बट एकदम आखिरी की स्टेज नहीं होना चाहिए, तभी हमें लिवर ट्रांसप्लांट का मैक्सिमम फायदा मिलेगा. तो एक हो गया ये सिरोसिस. दूसरा जो हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं वो उनके लिए करते हैं जिनको एक्यूट लिवर फेलियर हुआ है. एक्यूट लिवर फेलियर यानी क्या? कुछ दिन पहले तक लिवर एकदम अच्छा था, पेशेंट एकदम अच्छा था, अचानक किसी कारण से लिवर फेल हो गया, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, या रेटॉल का पॉइजन होता है, या कुछ दवाइयों का रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से लिवर फेल हो गया. इस तरह के अगर इवेंट्स होते हैं, इस तरह के कॉजेज अगर होते हैं, तो वह लिवर फेलियर कॉज कर सकते हैं, जिसको हम ALF बोलते हैं, एक्यूट लिवर फेलियर. एक्यूट लिवर फेलियर में अब क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है, इसलिए काफी पेशेंट्स को हम बिना ट्रांसप्लांट के भी बचा पाते हैं, पर जो दवाइयों से या ट्रीटमेंट से इंप्रूव नहीं होते उनके लिए हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. और अनफॉर्चुनेटली इन पेशेंट्स के लिए हमें कुछ घंटों में या दिनों में लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिसको हम इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं. थर्ड जो रीजन होता है जिसके लिए हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, वह है लिवर कैंसर, जिसको हम HCC बोलते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. अगर लिवर में कैंसर हुआ है और वो अर्ली स्टेज में है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है. इसके लिए हम उसको रिसेक्शन कर सकते हैं, यानी कि कट करके निकाल सकते हैं अगर पॉसिबल हो, या हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. लिवर ट्रांसप्लांट में हम पूरा खराब लिवर निकाल के और नया लिवर लगाते हैं, तो ऐसे केसेस में न सिर्फ कैंसर का बल्कि सिरोसिस का भी इलाज हो जाता है और दोनों का परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है. तो यह कारण है जिसके कारण हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं. तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, क्या उसकी रिस्क है और इसके बारे में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. तो लिवर ट्रांसप्लांट ऑन एन एवरेज 85-90% सक्सेसफुल होता है. हर एक सेंटर का अलग है, किसी सेंटर में 80-85% होता है, किसी सेंटर में 90-95% होता है, पर ऑन एन एवरेज, वर्ल्ड एवरेज अगर हम लें, तो समवेयर बिटवीन 85-90% सक्सेस रेट है लिवर ट्रांसप्लांट का. दैट मीन्स अराउंड 10% केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता, और इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए. किन में वो सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं? जो पेशेंट्स बहुत क्रिटिकली इल हैं, जिनको बार बार इन्फेक्शन हुआ है, जिनका ट्रांसप्लांट बहुत डिले हो गया है,
उनमें कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी का रिस्क ज्यादा रहता है। अगर सही टाइम पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं जब पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब नहीं है तो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट इससे भी कहीं ज्यादा होता है। ट्रांसप्लांट के टाइम पे ऑन एन एवरेज 10 से 15 दिन हमें एडमिट रहना पड़ता है। लिवर ट्रांसप्लांट दो तरह का होता है, एक जिसको हम डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं और दूसरा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। डिसीज डोनर यानी DDLT वह होता है जहां पर कोई पेशेंट है जिसको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और दूसरे कहीं पर कोई और पेशेंट है जिसकी ब्रेन डेथ हो गई है, जिसका ब्रेन तो डेड है पर बाकी ऑर्गन्स अभी भी काम कर रहे हैं और उसके फैमिली मेंबर्स उसका लिवर डोनेट करने को तैयार हो गए हैं। जैसे आपको पता है कि अगर ब्रेन डेथ हो तो पर्सन तो डेड है पर उसके ऑर्गन्स अभी भी जो है उनमें किसी दूसरे के शरीर में जिंदा रहने की क्षमता है, तो ऐसे में अगर उसके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि हाँ ये ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं तो हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, पैंक्रियाज, हैंड्स, फेस, ये सब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर कोई डोनेट करता है तो वह लिवर हमारे पेशेंट जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसे मिल जाएगा। इसमें जो खराब लिवर है उसे पूरा निकाला जाएगा और नए लिवर को लगाया जाएगा। इसको बोलते हैं डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट या DDLT। दूसरे तरीके का ट्रांसप्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं LDLT, लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। आपको पता है कि लिवर एक ही ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर कट किया जाए तो फिर से साइज में बढ़ जाता है, और इसलिए भले ही हमारे पास एक लिवर है पर अगर कोई फैमिली मेंबर अपना लिवर का एक पार्ट पेशेंट को डोनेट करे तो जिसके शरीर में गया उसके शरीर में भी और जिसने दिया उसके शरीर में भी, दोनों के शरीर में यह लिवर फिर से उग जाता है और साइज में बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम एक से इफेक्टिवली दो लिवर बना लेते हैं। इसको बोलते हैं LDLT या लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। जब हम यह करते हैं तो क्वेश्चन यह आता है, जब भी हम किसी पेशेंट से बात करते हैं कि आप LDLT का ऑप्शन है आपके पास, तो उनके अंदर में आता है कि भाई डोनर को कोई खतरा तो नहीं है जब अगर वो डोनेट कर रहा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो जीरो रिस्क नहीं होता है। हर ऑपरेशन की एक थोड़ी सी रिस्क होती है। वो रिस्क होती है एनेस्थीजिया की, वो रिस्क होती है ऑपरेशन की, पोस्ट ऑपरेशन इन्फेक्शन की, और ये सब रिस्क मिला के ऑन एन एवरेज मेजर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क 1 in 300 होती है। यानी कि अगर 300 लोगों का ऑपरेशन हो तो किसी एक को मेजर खतरा होता है, और इसीलिए ये खतरा मिनिमाइज करने के लिए डोनर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि वह सेफली डोनेट कर सकता है कि नहीं। आमतौर पे हम डोनर्स यंग लेते हैं और उनको टेस्ट करके इंश्योर करते हैं कि वह कंप्लीटली फिट है कि नहीं। ऑन एन एवरेज 55 to 60 ईयर्स के ऊपर के लिविंग डोनर्स नहीं लिए जाते हैं, हालांकि कुछ सेंटर्स हैं जो इससे ऊपर के एज के भी लेते हैं। दूसरी चीज, एक बार वो डोनेट कर दें तो जो भी रिस्क है वो ऑपरेशन के टाइम पे होती है, यूजुअली लॉन्ग टर्म कोई रिस्क नहीं होती, एंड डोनर्स कैन गो बैक टू नॉर्मल लाइफ विद इन 4 weeks। तो 4 हफ्ते के बाद वह अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल पे जा सकते हैं। जो पेशेंट है जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो 10 से 15 दिन ऑन एन एवरेज हॉस्पिटल में रहता है। ऑफ कोर्स ये केस टू केस डिपेंड करता है, किसी को कम भी होता है, किसी को ज्यादा भी होता है। और ट्रांसप्लांट होने के बाद में पहले 3 महीना उसे थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां चालू होती हैं। ये दवाइयां क्यों दी जाती हैं? बॉडी लिवर को एक्सेप्ट करे इसके लिए दवाइयां देना जरूरी है, पर बहुत सारी दवाइयों को बहुत दिन तक नहीं लेना पड़ता, और धीरे धीरे 3 महीने के बाद दवाइयां कम होती चली जाती हैं, एंड जब तक 1 साल खत्म होता है तब 1 या 2 इम्यूनोसप्रेसिव गोलियों पे पेशेंट मेंटेन हो जाता है, यानी कि टोटल दिन की 2 या 3 गोलियां लेना पड़ती हैं, पर ये गोलियां हमें लाइफ लॉन्ग लेना होती हैं। तो ये डोज बहुत कम होती है 1 साल के बाद, और खर्चा भी 1 साल के बाद बहुत कम हो जाता है। पर ये हमें याद रखना जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी दवाई ओमिट नहीं होना चाहिए, और दवाई खुद से बंद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें मान के चलना चाहिए कि दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी है और उसका सफिशियंट स्टॉक हमेशा अपने पास बना के रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या हमें कांच के कमरे में रहने की जरूरत है, क्या कंप्लीट आइसोलेशन की जरूरत है। फॉर्चुनेटली लिवर ट्रांसप्लांट के बाद इस तरह के आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती, और ज्यादातर लोग अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे ही रह सकते हैं, कुछ भी ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि बाहर की चीजें खाते समय वो एकदम साफ हों और एकदम हाइजीनिकली बनाई हुई हों, इसका ध्यान रखना है। घर पे भी खाना हाइजीनिकली बनाएं और साफ सुथरा रखें, यह काफी है। बहुत स्पेशल इसके लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ।
बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये लिवर चलता कितने साल है, 2 साल 5 साल 10 साल कितने साल चलेगा? तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपने उसका कितना केयर किया है। अगर आप केयर कर रहे हैं एंड लिवर बॉडी ने एक्सेप्ट अच्छे से किया है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो यूजुअली दिस पीपल विल लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड दे डाई ऑफ अनरिलेटेड कॉजेज, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कैंसर, जो नॉर्मल लोगों को भी, हार्ट अटैक जो किसी को भी हो सकता है, उस तरह की बीमारियों के कारण डेथ ज्यादा कॉमन है, बजाय इसके कि जो नया लिवर लगा है वो फेल हो। ये बहुत ही रेयर होता है कि जो नया लिवर लगाया है वो फेल हो गया और उसके कारण किसी की डेथ हुई। तो इसलिए जो भी मन में डाउट्स होते हैं वो आप अपने डॉक्टर से क्लैरिफाई करें, सही डॉक्टर के पास जाएं, जिसको भी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई है वह स्पेशलिस्ट से मिले, उसके बारे में समझे, आगे क्या एक्सपेक्ट करना है, ट्रांसप्लांट के बाद क्या लाइफ होगी वह अच्छे से जानकारी ले, और बिना किसी डर के सब कुछ समझ के लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको डिसीजन लेना चाहिए। और इधर उधर से सुनने के बजाय जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, वहां से आपको जानकारी इकट्ठा करके और सही डिसीजन लेना चाहिए। होपफुली द फियर ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट विल बी आउट ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज गोइंग टू बिकम अ कॉमन रियलिटी। विद दैट आई एम श्योर द ट्रांसप्लांट कॉस्ट विल ऑल्सो कम डाउन। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।